सो है गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर, जहां पर 10% की तेजी रही है। मजगांव डॉक सी बिल्डर्स 20% की तेजी रही है। गार्डन सी बिल्डर्स 9% के करीब तेजी रही है। तो आप लोगों को शिपयार्ड रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है। आगे के कैसे रहने वाले हैं लेवल वगैरह डाटा के हिसाब से चार्ट वगैरह देखेंगे। और साथ में आप लोगों को खबरों की अगर मैं बात करूँ तो मजगांव डॉक है, कोचिंग शिपयार्ड है, अन्य शिपिंग शेयरों में जो भी 17 से 20% तक की तेजी हमें देखने को मिली आज के दिन। तो काफ़ी शानदार एकल तेजी जो कि एक तरफा जो तेजी है वो हमें इन शेयरों में देखने को मिल रही है। तो इनमें हमें जो है बहुत सी उम्मीदें हैं। उम्मीदों की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा आगे आ रहे हैं बजट। बजट में बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। इसी के साथ आप लोग देखोगे भी आगे कंपनी के रिजल्ट्स भी आएंगे, तो उन रिजल्ट्स को देखते हुए भी इन शेयरों में काफ़ी अच्छा जो है अभी मोमेंटम आने की संभावना है। तो पहली थीम आई कि आय की मजबूत उम्मीदों के कारण भी शेयरों में तेजी आई है। जो एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने जून तिमाही की आय पूर्वावलोकन नोट में कहा है कि मजगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, PTC इंडस्ट्रीज और गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स लिमिटेड सहित 8 जो डिफेंस कंपनियां हैं उनकी जो संयुक्त बिक्री में साल दर साल 27% तक की हमें जो ना भी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये खबरें आ रही है सामने, यानी कि अब जो इनके आगे रिजल्ट्स आएंगे ना भी, इनके जो आप लोग देखोगे भी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है वो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इनके जो आप लोग देखोगे सेल्स हैं उनमें 27% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और इस बड़े पूर्वा अनुमान के अनुसार आप लोग देखोगे स्टॉक्स में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है। इसी के बाद आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और त्वरित क्रियान्वयन तथा कई कंपनियों की सर्वकालिक जो उच्च ऑर्डर बुक के समर्थन से यह वृद्धि अपेक्षित है। यानी कि इनके जिस प्रकार से इतने हाई ऑर्डर बुक, इतनी ऑर्डर बुक के अंदर ग्रोथ है, इन सबको देखते हैं तो ये जो बढ़ोतरी है ये हो सकती है 27% तक हमें जो है साल दर साल पर बिक्री होते हुए नज़र आ सकती है। तो ये इनकी तरफ से बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ में आप लोग देखोगे भी उम्मीद ये भी है कि बजट 2024 की घोषणाओं से शेयरों को भी और भी बढ़ावा मिल रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा इनके लिए अनाउंसमेंट हो सकता है इस बजट के अंदर। तो ये खबरें अभी इन शेयरों में रैली के पीछे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक दो खबरें और बता दूं। सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि 50,000 करोड़ का जो ना भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हमारा लक्ष्य 50,000 करोड़ तक ऑर्डर, एक्सपोर्ट जो ऑर्डर है वहाँ तक जाने का है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसके जो आप लोग इंजेक्शन है उसके अंदर आप लोग देखोगे और छूट कर दी गई है, टाइम बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इंजेक्शन में जो छूट वगैरह उसके शुल्क 1 जुलाई तक का टाइम था। जो भी इंपोर्ट आता है माल बाहर से बनाया जाता है, बाहर से जो माल लेकर आती है डिफेंस सेक्टर में, तो वो उसके लिए जो कस्टम ड्यूटी है उसके अंदर पहले से छूट थी। उस छूट को देखो भी 1 जुलाई को वो समाप्त हो जानी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे 2029 तक एक्सटेंड कर दिया, जिसकी वजह से ये रैली हमें देखने को मिली इन शेयरों में। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इनका डाटा और चार्ट। सबसे पहले देखेंगे कोचिंग शिपयार्ड। 2436 का भाव प्रीवियस था, ओपन हुआ ये 2449, नीचे में फिर आया ये 2400 के भाव में, फिर उसके बाद जो एक्शन है वो आपके सामने है, 2680 रुपये के आसपास गया और वहीं पर इसकी क्लोजिंग हुई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर 200,000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगा हुआ है, अभी 205,000, और जो डिलीवरी देखने को मिला डिलीवरी क्वान्टिटी वो लगभग 19% के आसपास है, तो डाटा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी 2678 रुपये के आसपास का टारगेट था, वो टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है स्टॉक के अंदर। ठीक है, 2366 के ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट हम लेके चल रहे थे ऊपर में, ये टारगेट भी यहाँ पर भी आते हुए नजर आया है। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी 10% का इसका प्राइस बैंड आपको पता होगा सभी को, तो इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली आई है तो प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है यहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क न लेते हुए 2450 के आसपास का सपोर्ट आगे के लिए ठीक रहेगा। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ ऊपर में, तो ये शेयर हमें 2900 के आसपास के मूव दिखा सकता है अगर इसी प्रकार से रैली स्टॉक में बरकरार रहती है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक का चार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसका डाटा।
4684 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग था, 4715 पर ओपन हुआ ये, फिर नीचे में आया भाई ये 4670 तक, उसके बाद जो शेयर है वो 5621 तक ऊपर में गया है और इसी प्राइस के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। ऐसे में आप लोग मार्केट प्राइस के ऊपर 121,000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर यहाँ पर भी है, डिलीवरी पोजिशन काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रही है, तो काफ़ी शानदार डाटा यहाँ पर भी है, बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए अब देख लेते हैं चार्ट इसका भी। तो यहाँ पर देखो मजगांव डॉक के जो भी हमारे लेवल्स थे ऊपर में वो सारे आते हुए नजर आए हैं एक ही झटके में, ठीक है। आप लोग देखोगे भी ऊपर में 5394, ये पहला हमारा 5000 का था, दूसरा 5394, दोनों टारगेट आ गए हैं। अभी के टाइम आगे के लिए जो सपोर्ट रहेगा इसका, ठीक है, 5394 लगभग 5400 रुपये का सपोर्ट ठीक रहेगा ऊपर में। और टारगेट की बात करें अगले टारगेट की, देखो लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो 6500 रुपये प्लस के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो शेयर है आपको ऊपर में 6070 रुपये तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है, बट उसके लिए रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। नीचे में सपोर्ट आपको आई थिंक लेके चलना चाहिए 2400 के आसपास का, और बाकी आपकी मर्जी भी आप किस प्रकार से क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो इस शेयर के अंदर। वॉल्यूम लास्ट में काफ़ी शानदार है तो कल गैप अप ओपन होने के चांस ज़्यादा है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर देखोगे भी GRSE गार्डन इंडस्ट्री बिल्डर्स 2459 प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन हुआ 2460, 2419 तक नीचे में आने के बाद स्टॉक में रैली बनी है 2697 तक, 2668 के भाव में क्लोजिंग आई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर लगभग 18500 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर, डिलीवरी पोर्शन 17% के आसपास है, तो डाटा यहाँ पर भी ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका भी चार्ट। देखो भाई ये कहीं नहीं हो रहा, 9 मई को ये शेयर 912 के भाव में था, और सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखोगे 2 महीने के अंदर 912 से जो शेयर है, मई के बाद आप लोग देखोगे जून के अंदर, मई जून में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर शेयर 912 से आज 2600 के भाव में आया हुआ है। कितनी शानदार रैली स्टॉक में रही है, ठीक है। और इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पहले भी बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी और चलेगा। यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक की रैली वन साइडेड है, एक तरफा रैली स्टॉक में बनी हुई है। हाँ अभी के टाइम देखो भी डीप का वेट कर रहे थे, डीप यहाँ पर भी आया था, ठीक, उसके बाद आप लोग स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली है, और अभी के टाइम भी डीप ही का वेट कर रहे हैं, लेकिन डीप आने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर डीप आएगा 10-15% का तो फ्रेश बायर यहाँ पर एक्टिव होना, अदरवाइज जिनकी होल्डिंग है पहले से वो आगे के लिए अपने होल्डिंग बनाए रखिए, और नीचे में जो सपोर्ट वगैरह है वो रहेगा इसका 2457 के आसपास का, तो 2457 का सपोर्ट है। और ऊपर में मैं बात करूँ टारगेट की, तो यहाँ से जो शेयर है वो हमें ऊपर में लगभग 2900-3000 रुपये तक के जो लेवल है वो दिखा सकता है ये भी, तो ये इनके लेवल रहेंगे। इसके अलावा जो कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।